टच द लेक, आप सभी का ट्रैवल गर्ल में फिर एक बार स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और यही प्रार्थना करूँगी महादेव की कृपा आप सभी पर हो। और आज जैसा कि हम हमारे गांव लाबरंग में है तो यहाँ पर जो शिवरात्रि का जो उत्सव है बड़े ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है और सदियों पुराने ज़माने से लेकर यहाँ पर जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। अभी जो है मैं यहाँ लाबरंग गांव के मुख्य क्युम्पा औरस के घर पे हूँ, तो यहाँ से जो है शिवरात्रि का जो त्यौहार है वो यहीं से जो है सबसे पहले शुरू हुआ था। आज भी इसी घर से ये जो शिवरात्रि का त्यौहार है बड़े ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से जो शिवरात्रि का त्यौहार है वो मनाया जाता है और क्या क्या जो विधि यहाँ पर बहुत सारे जो रिचुअल्स किए जाते हैं। तो ये जो त्यौहार है वो यहाँ पर जो है 3 दिन का त्यौहार है, तो 3 दिन का ये जो उत्सव है बड़े अच्छे उस पर मनाया जाता है और बहुत सारी चीजें होती है। तो आइए जानते हैं किस तरह से जो शिवरात्रि का त्यौहार है मनाया जाता है। शिवरात्रि महापर्व जो है हर साल हम मनाते हैं लाबरंग गांव में। ये शिवरात्रि पर्व जो है ये सदियों पहले से चला आ रहा है, उनका पूरे गांव को हिस्ट्री के हिसाब से जो है ये क्युम्पा घर है। क्युम्पा घर का मतलब जो लाबरंग गांव के इतिहास के साथ इस घर का जुड़ा है। सबसे पहला घर ये था, मुख्य घर ये था। हमारे सगन शिव दम्बर जी भी इस शिवरात्रि में विशेष रूप से आते रहे हैं। कुछ साल से जो है हमारे यहाँ पे शिवरात्रि जो है इस घर के अलावा एक आध घरों में और भी मना रहे हैं। हिमाचल में भारतवर्ष में शिवरात्रि बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाता है, पर अंतर ये है कि हमारा ऊपर किन्नौर में जो है खासकर हमारे सुमसो वैली में शिवरात्रि पर्व जो है यहाँ 3 दिन कपो को मिला के जो है एक दिन मुख्य रूप से कपो से शुरू होता है, उस दिन में हम लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। पर ये चीज़ अलग है कि जो महाशिवरात्रि जो कैलेंडर के हिसाब से विक्रमी संवत के हिसाब से जो शिवरात्रि मनाया जाता है वो जो है कैलेंडर के हिसाब से हमेशा फरवरी माह में आता है। कैलेंडर हर वर्ष पूरे हिमाचल में भारत में शिवरात्रि मनाते हैं, पर हमारे यहाँ पर ये अलग है कि शिवरात्रि जो है सपीलो को देख के शिवरात्रि जो है स्थापित होता है, मतलब डेट जो है वहाँ से शुरू होता है। एक दिन शिवरात्रि का जो है सपीलों में से शुरू होता है, तो ये जो कैलेंडर के साथ ये मैच नहीं होता है क्योंकि हमारा जो आवासंग देखते हैं गोलसंग देखते हैं, जैसे हमारा लुसर का त्यौहार है उसी तरह ये शिवरात्रि पर्व भी जो है गुलसंग के हिसाब से ही तिथि जो है निर्धारित होता है। सपीलो गांव, कानम गांव, लबरंग हमारा एक साथ ही शिवरात्रि का विशेष रूप से अलग से मनाते हैं, पर ऐसा लगता है कि हमारा अलग सा शिवरात्रि है। पर ये अलग सा ये भी है, आप यहाँ क्या कि ये सिर्फ इंडिविजुअल शिवरात्रि नहीं था, शिवरात्रि तो हर घर घर में मनाते हैं, जैसे किन्नौर में लाहौर किन्नौर में घर घर में मनाते हैं, पर हमारा जो यहाँ सुमसो में शिवरात्रि जो था ये शिवरात्रि जो है विशेष रूप से गांवों का शिवरात्रि है। ये हमारा व्यक्तिगत इंडिविजुअल घर का शिवरात्रि नहीं था क्योंकि पुरखंग के हिसाब से जो है माधव जी के नाम से रोटी बनाते हैं गांव के हिसाब से, पहले ये रोटी ही हमारा मुख्य रूप से हम लोग रोटी बनाते थे। रोटी बनाने का एक विशेष अलग से विधि है जिसमें जो है 8-10 लोगों की टीम जो है रोटी बनाते हैं, बहुत बड़ा रोटी बनता है। तो रोटी बनाने का विशेष रूप से उसमें एक कहानी है क्योंकि पूरा गाँव हमारा देवता साहब इस रोटी के बारे में पूछते हैं, गांव के लोग पूछते थे, आते थे काफ़ी मेहनत से, शिरकू का चंदन का लकड़ी के ऊपर हम उसमें रोटी बनाते हैं, फिर उसका विधि जो है आपको बताया उसमें जो अपने मुख्य तरफ जो है उसको पलटाया जाता है। ये चीज़ें बहुत ही अद्भुत है, रोटी को जो है उसका कई बार ऐसा है कि खराब हुआ है वो रोटी पलटते समय पीस भी हो गया है, कई बार फट जाता है, कई बार उसमें क्रैक्स आ जाता है, उसको पुरखंग के रूप में मतलब एक उसकी तरह देते थे पूरा गाँव जो है, अगर वो रोटी ठीक नहीं बना तो ये रोटी जो है इस साल गाँव के लिए हमारे जैसे फल फ्रूट है कोई बीमार शमार का प्रकोप का कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होने के चांसेस रहता है, फिर उसमें जो है पूरा गांव उसका समाधान के लिए देवता साहब के पास जाते हैं, फिर देवता साहब जो है उसको पूरा उसका समाधान के लिए पूजा पाठ लामाओं से लेकर सारा निपटान करते हैं कि उसका किस तरह से जो है हमने उसको करना है। शिवरात्रि जो है आपको बताया मैंने शुरू में 3 दिन जो कपो के स्टार्टिंग होके जो है उस दिन हमारा पहला दिन होता है। हमारे यहाँ पे शिवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, तो आज का जो दिन है उसे हम कपो बोलते हैं। कपो यानी कि आज जो है हम मोमोज बनाते हैं, तो अपी और मैं अभी मोमोज बना रहे हैं।
तो अभी हम ये कापो बना रहे हैं और इसके बाद ये कापो बना के फिर इसकी पूजा की जाएगी। दूसरा दिन जो रात्रि जो है हमारा शुरू होता है, दूसरे दिन रात से शुरू होता है। सबसे पहले हम भाई ये मंडल जो है स्थापित किया जाता है, तो ये सारा शकुली से लेकर इसमें तीन चार हफ्ते का पहले से तैयारी होता है। शकुली चावल के आटे से तैयार की जाती है, गोल बना के फिर उसको बाप के वो तैयार करके फिर सुखाया जाता है। फिर कम से कम दो तीन दिन जो है विशेष रूप से सुखाया जाता है, साफ सुथरा घास बिछा के नीचे जो है इस तरह से करके, फिर जाके जिस दिन शिवरात्रि है उसी दिन इसको तैयार किया जाता है, जिसमें जो हमारे लेडीज मुख्य रूप से और घर से बाहर के लोग लेडीज महिलाएं आके पूजा पाठ करके, तो ये जो है बर्फ वो शिव भगवान शिव जो है कैलाशपति हैं, है ना, ये 108 आयामों के विधाता हैं, उनको कैलाश उनका निवास है, तो इस कैलाश के रूप में जो है ये बर्फ के रूप में जो है यहाँ चारों साइड जो हम लगाते हैं। मंडल जो स्थापित की गई है भगवान शिव का सामने साक्षात स्थापित किया है। ये जो है बेलपत्र के में जो है हम इसको बनाते हैं, ये पत्ता जो है बेलपत्र का बनाते हैं। फिर जो है हमारे ब्रदर जो है इन्होंने का बहुत हुनर इनके अंदर है, आर्टिस्ट के हिसाब से बनाया हुआ है। फिर ये जो का है जटा के रूप में भगवान शिव का जटा है, ये जो नीरज का माला भी हम बना के पहनाते हैं शिव को, और ये फल फ्रूट से लेकर नीचे जो भी है मंडल में जो हम इसमें सब कुछ अर्पित करते हैं। शिवलिंग में हम लोग पूजा करते हैं, दूध दही ये आपका गंगा जल से हम शिवलिंग में चढ़ाते रहते हैं। शिवरात्रि के जो बैठी जो दिन है सेकंड डे, उस दिन जो है हमारा पूरी रात जो है हम लोग शिवरात्रि के पर्व को बहुत ही जागरण के साथ श्रद्धा के साथ और जो हमारे गाना है विशेष गाना है उनको गा के पूरी रात गाया जाता है। फिर जब सवेरे का समय आता है जो शुभ टाइम नहीं होता, जो जिस टाइम जो सुबह का 5 बजे जो है हम रौला जी निकालने के लिए तैयारी करते हैं, फिर विशेष गाना गाते हैं, फिर नाच गान करने के बाद रौला के लिए फिर तैयारी करके रौला जो है 5:30 बजे रौला निकालते हैं। तो रौला जो है इस हमारा मान्यता है, हमारी विश्वास है हमारे को कि भगवान शिव जो है आपको पता ही है कि भगवान शिव साधारण वेश में रहते हैं, बहुत ही साधारण वेश में रहते हैं, वो जो है उसी वेश में उस रूप में भगवान शिव को हम साक्षात दर्शन करते हैं, और उसमें गाना भी विशेष है, और साल का जो रमा पुत्र जो दर्शन जो है खासकर सारा पूछते हैं हम लोग क्या कुछ रहने वाला है, वो चीज़ें उसमें हम लोग रौला जी से पूछते हैं। गांव वाले जो आते हैं दर्शन के लिए उनको हम जैसे वो लोग दर्शन करते हैं मेंथो फूल के रूप में हम ये देते हैं जो हरा लापतरंग होते हैं, शुभ चीज़ के लिए हम जो घर में आए हैं तो भगवान शिव का शुभ चीज़ के लिए हम प्रसाद के तौर पर तो वो देते हैं। हमारे को बोलते हैं ना जी
हमारा बोली में बोलेंगे तो औरस बोलते हैं। हमको शिव जी ने जब पहले से जो हमारे शिव जी के साथ प्रकट हो गया ना जी, ज्वाला विश्वकर्मा हमारा नाम जो है खास ज्वाला विश्वकर्मा बनाया, रुणसी ओट औरस, रुणसी औरस महादेव का जो बैर बनाया, रुणसी औरस ने महादेव का कैलाश में बैर बनाया, तगड़ा ठीक ठाक बैर बना दिया, पूरा बैर बना दिया रुणसी ओट ने, वो भी शक्तिशाली था। फिर बोला इतना बढ़िया मंदिर बना रहा है रुणसी ओट ने, रणजीत इसको मैं थोड़ा इनाम देता हूँ। फिर इनाम जो क्या दिया, जैसा बकरे का या कड्डू कोई भी काट के कलेजा होता है सेम, इतना बड़ा सोना दे दिया शिव जी ने रणजी ओट को। जैसा मैं पहन रहा हूँ ड्रेस जमाने का, ऊपर से नीचे पूरा रणजी ओट को, फिर उनका रणजी ओट के परिवार को, उसको हमारे में बोली में बोलते हैं पोइसराय। बड़े बड़े मंदिर बनाए या गुंपा बनाए उस समय जो हमारे को ये ड्रेस भी मिल सकता है, हमने एक बार दो बार पहन के हमारा रीति रिवाज किया हुआ भी है। फिर शिव जी फिर पैदा होने के बाद शिवराति कहाँ लगाऊं, अपने मन में सोचा होगा ना। फिर मैं बोला सबसे बड़ा जात की बात जाऊंगा, ऐसा सोचा, सपना लिया शिव जी ने कि मैं बड़े जात की बात जाऊँ, ऐसा सोचा। फिर बड़े जात होता है बोले तो हम पंडित बोलते हैं ना, सबसे बड़ा जात है वो पंडित, पंडित की पास गया तो पंडित ने कोई शिव जी का ऐसा क्या नाम डटित, हमारा बोलने बोलते हैं ना उसको डटित बोलते हैं, ऐसा बनाना पूजा अग्री, जैसा हम पोल्टू बनाए चाहे हलवा बनाए चाहे कुछ, शकुली देखो शकुली बनाया, फूल चढ़ाया, जितना भी हम देवी देवता मानते हैं ये और लोग ही ज़्यादा पूजा अग्री अभी तक भी हम मानते हैं, गाँव में हो चाहे कहीं भी हो। फिर उसके बाद किया राजा के पास किया, अब तो मैं राजा के साथ बैठूंगा, पूजा भी तो करेगा राजा, इसके बाद तो दंदौलत भी बहुत है, मैं वहीं शिवरात मनाता हूँ, वहाँ भी नहीं, वहाँ और राजा को ही पता नहीं है कैसा करना है। उसके बाद भी वजीर के पास गया, वजीर को भी नहीं आया कैसा बनाना है नहीं। फिर उसके बाद तो क्यों गया आपका खुशिया के बंग के पास, राजपूत में गया, राजपूत को भी पता नहीं लगा, थोड़ा बहुत ये सब बनाया तब भी पता नहीं लगा। लोहार की पास गया, लोहार ने भी इतना औरस की तरह पूजा नहीं किया, किया तो किया उन्होंने थोड़ा बहुत किया हुआ कहानी में भी, असली पूजा जो है हमारे औरस में, औरस लोगों ने फिर रोटी बनाया तो उसका कितना जो चाहिए सामान पूरा पूजा पाजा सब कुछ बना के तैयार कर दिया। फिर तैयार करके बाद फिर भी 7 दिन 7 रात कट्ठा एक कर दिया बांध के, यहाँ हाथ में से बैठा शिव जी, ठहर जा भाई अभी भी रात नहीं खुलेगा तेरा, धीरो धीरो रणो जी धीरो धीरो रणो जी पहले को कर बेरंदो। अब बोला पहला कुकरी बज रहा है अभी रुक जा बोला, उसको रणजी को आ गया और उसको सब कुछ सामान बना दिया मैंने, तब भी शिव जी ने रात क्यों नहीं खोल रहा है, मेरे को गुस्सा आ गया उसको, ऐसा ग्रोक की तरह जगने लगा वो बिल्कुल, ऐसा जगो गुस्सा से ना दान दून हिला के ऐसा बिल्कुल ऐसा क्या, तब भी शिव जी क्यों मेरे साथ क्यों नाराज हो रहा है, सब कुछ पूजा कर सब कुछ मैंने किया सब किया मैं नीचे से लेकर अब नहीं बुलाना ठेर बोला ऐसा करके रणजी और उसको नीचे खुट में सारा उसने मार दिया जानवर पूरा गायब हुए सब खत्म, तब भी नहीं बुला। फिर शिव जी ने बोला ठेर 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 बोला, रात नहीं खोलने का गुस्सा आ गया उसको औरत को, वो तो खुश हो रहा था देवता तो इसने किया करके जानबूझ के उसको तंग कर रहा था, ड्रामा खेल रहा था ना शक्ति दोनों में। फिर लास्ट में तो अपने आप को यहाँ लगा दिया कुंगरी, तेनी रोनो जीता ओड़ा रोनो जीता ओड़ा अपुले छोरी जीनो, अब जीनो मतलब गले में आप मैं भी मरूंगा तैयार, काटने को तैयार हो गया उस समय जो है। फिर ठेर बोला चीड़ी बीड़ी बेसन दो प्यार, जो चिड़िया जो है बच रहा है आप रुक जा बोला उस समय शिव जी ने, मन लगा बोला गले में नीचे बोला पूरा आपके पास 100 होगा तो 200 हो गया नीचे। आज तो ना फिर मानता देखो को लुसो पोसो घोटी माले नाचले आधा रोटी को खुशी से अपने बेर में जाके नाच रहा है शिव जी ऐसा करके खुशी से। आप और उसको बरकत भी दूंगा सब कुछ देऊंगा, अब हमेशा तू इस गाने या इस रीति रिवाज को करके बलपुर तेरे को साल के एक बार जो है आपके घर में आऊंगा करके, अभी तक एक झलक के लिए हमारे को शिव जी ये जे हमने बनाया हुआ है ना देवता पतलंग का इस रूप में आके जब आपका इनका प्रकट होते समय ये घूमता है
शीर देता है। आज भी जो है हमारा शाम तक जो है हमारा विधि जो है चलता रहता है, जो कार जो है हम मनाएंगे, क्लोजिंग जो है शाम 5-7 बजे के बीच में क्लोजिंग आज हो जाएगा। परिवार जो है दुआएं मुल्लम जिसको बोलते हैं सब दिल से मुल्लम लगाना, भगवान शिव आपका जो भी मनोकामना है सबका पूरा करें। लास्ट हमारा ताशिशको के हिसाब से जो है गांव के लिए भी हम सब दुआएं मांगे। Tini du karabanto, du karabanto। अब समय हो चला है देवों के देव महादेव की विदाई का। महादेव जी के नाम से बनाई गई विशाल रोटी को धीरे धीरे लोक गीतों के संग काटा जाता है। इस लोक गीत में वर्णन किया गया है रुंसी रुणजीत उरस का, जिनके द्वारा ही शिवरात्रि पर्व को मनाने का वरदान उरस को मिला। ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि के इन 3 दिनों में महादेव घर पर पधारते हैं, और जब तीसरे दिन महादेव की विदाई का समय हो जाता है तो सभी भावुक हो जाते हैं और सभी की आंखें नम हो जाती है। हमारे जनजातीय समाज में ईश्वर पर आस्था और विश्वास आज भी कायम है, तथा आज भी महादेव के शीतकालीन तपोस्थली किन्नौर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। हमारे सुमचो में 3 दिन तक चलने वाले इस महापर्व को मनाने का अंदाज बाकी भारतवर्ष से जितना भिन्न है उतना ही खूबसूरत एवं पौराणिक परंपरा से परिपूर्ण है। तनमोरे काउनी दे बंदा तन काउनी में मतलब चावल होता था ना, काउनी दूसरा होता था। यहाँ आज भी महादेव को समर्पित पौराणिक लोक गीतों को गाकर हर परंपरा निभाई जाती है। इन गीतों का गहरा अर्थ है और आज भी इन गीतों को गाना एवं समझना अति आवश्यक है, और मैं स्वयं को भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इस महापर्व में शामिल होने का अवसर मिला और करीब से जानने का मौका मिला पौराणिक कथा एवं परंपराओं को। लाब्रन गांव वासियों को महाशिवरात्रि की सभी विधियों को इतनी खूबसूरती एवं सहजता से निभाने के लिए हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ, और अंत में धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी बड़ों का जिन्होंने शिवरात्रि के इस महापर्व की जानकारी हमारे साथ साझा की। इसी के साथ मैं लेना चाहूंगी आप सभी से विदा। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।